एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.5। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। देयर आर फोर सेल गिवन यू एंड यू नीड टू सॉल्व वन बाय वन ऑल द फोर सेल। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट सेल फर्स्ट। What about Nernst equation? What is Nernst equation? So this is Nernst equation which is written here. That is E equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N. N shows the number of electron. E naught cell shows the electromotive force at the standard conditions. And QC represented the reaction quotient. Well, exactly jo Nernst equation hota hai, वो ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पर एक्चुअली लिखा होता है माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग क्यू सी। तो बच्चे यहाँ पे जो आर है उसका भी फिक्स वैल्यू है क्योंकि गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है 8.314। टी है टेम्परेचर आपको दे रखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298। एफ है फराडे कॉन्स्टेंट है तो इसका भी वैल्यू होता है 9650। तो बच्चे जब हम इन वैल्यूज को लिख देते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब आपका 0.0591 आता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है जो कि हम सेल रिएक्शन से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस 3.5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको ई नॉट सेल भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं टेबल से देखकर, और क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो ये सेल्स भी आपको, जो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो भी आपको दे रखा होगा। वेल आप जो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 वो है आपका Mg विच इज इन सॉलिड स्टेट, इट विल कन्वर्टेड इनटू Mg आयन। अच्छा हमको कैसे पता चलेगा कि हमको Nernst इक्वेशन ही निकालना है? वैसे तो बेटा हमको दे रखा है ऊपर की Nernst इक्वेशन है, लेकिन जब आपका जो स्टैंडर्ड कंडीशन है अगर वो चेंज हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो जो कंसेंट्रेशन दे रखा है Mg आयन का वो आपको 1 मोलर ना देकर चेंज कंसंट्रेशन दे रखी है, तो इस केस में हम लोग जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए स्टैंडर्ड पे ना रहे, या फिर आपका और जो कंडीशंस होती है प्रेशर वो चेंज हो जाए, तब हम Nernst इक्वेशन का यूज करते हैं। तो बच्चे ये हमको सेल का रिएक्शन हमको दे रखा है। यहाँ पर ये जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये आपका एनोड को शो करता है कि एनोड पे क्या हो रहा है, और एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है। और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा कैथोड को रिप्रेजेंट करता है, और कैथोड पे हमारा बेटा रिडक्शन होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर, अगर आप चाहें तो पहले आप ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो चलो वो हम थोड़ा सा देर में निकालेंगे। पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो बेटा सेल का रिएक्शन आपको पता है कि क्या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg से Mg प्लस 2 बन रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Mg जब दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है बेटा, एनोड पर हो रहा है। दो ही इलेक्ट्रॉन हमने क्यों लिखे, क्योंकि इसके ऊपर 2 चार्ज है, 2 चार्ज इसलिए आया क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड पर जो कॉपर आयन है वो जो Mg ने दो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली लूज किए हैं वो उसको गेन कर रहा है, और ये कॉपर में चेंज हो रहा है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा N भी निकल आया जो कि आपका 2 आ गया। उसके बाद हम सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं कंप्लीट, Mg विच इज इन सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इट विल गिव Mg 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर विच इज सॉलिड। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें QC निकालना है। QC कैसे निकालते हैं रिएक्शन कोशेंट, तो बेटा जो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। और प्रोडक्ट आपके गैस में है या फिर एक्वस फॉर्म में तो ही हम उसका कंसंट्रेशन लेते हैं, अगर सॉलिड में है तो उसके कंसंट्रेशन को हम 1 कंसीडर करते हैं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए प्रोडक्ट में क्या है, Mg 2 पॉजिटिव है
और ये कॉपर सॉलिड में है तो इसका कंसंट्रेशन 1 है, जो कि आप ना भी ले चलेगा, क्योंकि हम 1 का मल्टीप्लाई जिसमें भी करते हैं वही वैल्यू आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है और मैग्नीशियम सॉलिड में है तो ऑब्वियसली 1 हो गया। अब Mg का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में बेटा कितना दे रखा है, देखिए क्लियरली विजिबल है, इसका कंसंट्रेशन हमको 0.001 मोलर दे रखा है और कॉपर का हमको कितना दे रखा है 0.0001। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो देखिए बेटा QC का वैल्यू भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास अब N का वैल्यू भी है, QC का भी वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करना है E नॉट सेल का। चलिए E नॉट सेल भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ E नॉट सेल, E एट कैथोड माइनस E एट एनोड, आप चाहे तो इसको ER माइनस EL भी लिख सकते हैं। R रिप्रेजेंटेड द राइट हैंड साइड जहां पर कि आपका रिडक्शन हो रहा है और L रिप्रेजेंटेड द लेफ्ट हैंड साइड जहां पर कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर आपका रिडक्शन हो रहा है कॉपर, तो कॉपर का आपको पोटेंशियल लिखना है जो टेबल के थ्रू आपको मिला हुआ है। दिस इज 0.34 माइनस माइनस 2.37। अगर बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल मिलने वाला है, दिस इज बिकम, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आएगा 2.71 प्लस का, क्योंकि बेटा माइनस यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2.37 और 34 को अगर हम प्लस करेंगे तो बेटा ये 2.71 हमारा आने वाला है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, हमारे पास देखिए क्या क्या है, हमारे पास E नॉट सेल है जो हमने कैलकुलेट किया, दिस इज प्लस 2.71, उसके बाद हमने QC भी कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 10, और N भी कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 2, और यही 3 वैल्यूज का हमको काम है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। चलिए अब जल्दी से हम लोग ये पोर्शन को इरेज कर देते हैं जिससे कि वी हैव स्पेस टू कैलकुलेट द E फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर E में दोबारा से रिपीट करती हूँ क्या है, ये चेंज पोटेंशियल है, क्योंकि E नॉट क्या शो करता है, E नॉट तो हमको ये शो करता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है सेल का, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, लाइक आपका मोलरिटी 1 मोलर नहीं रहा है, कुछ और हो गया है, और जो टेम्परेचर है मे भी चेंज हो गया, इस क्वेश्चन में वो चेंज नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक चीज चेंज हो जाएगी तो हम नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू E निकालते हैं। चलिए अब जल्दी से हम नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू E निकालते हैं। E सेल कितना है हमारा, प्लस हमारा E सेल है यहाँ पर प्लस 2.71, उसके बाद हमारा 0.0591, दिस इज फिक्स वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने रिएक्शन से निकाल लिए थे 2, जो कि रिड्यूस हो रहे थे ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यहाँ पर आपका लॉग आ गया जिसका बेस 10 है और QC की वैल्यू भी 10 है। देखिए बेटा लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, अगर 10 का पावर 1 है तो वही वैल्यू होगी, अगर 10 का पावर 2 है तो उसकी वैल्यू 2 होगी, जो भी पावर में है वो उसका वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर लॉग के ऊपर 10 के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं पावर, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस 2.71 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू प्लस 2.6805 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 3.5 का, वो हमने सॉल्व कर लिया विद आंसर। अगर आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व 3.5 पार्ट 2। आप देख रहे हो कि इसमें एनोड पर क्या हो रहा है बेटा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आयरन आपका सॉलिड आयरन आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज है डबल लाइंस, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, ये आपका कैथोड वाला पोर्शन है। तो अब इसके थ्रू हम लोग जल्दी से क्या निकाल लेते हैं, हम इसके थ्रू निकाल लेते हैं अपना E नॉट सेल, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा E नॉट सेल के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और वो भी H का हो रहा है, ठीक, हाइड्रोजन का हो रहा है, और हमेशा हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.0 होता है, एंड यहाँ पर उसके बाद आयरन का हो रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है,
ये याद हमको रखना है कि हमेशा चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, हमें पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन का ही लिखना है, ठीक है? और ये हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आता है माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने ई नॉट सेल भी कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपका नस इक्वेशन, ठीक है? अब इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है सेल का रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो देखिए आपका एनोड पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर देखते हैं एनोड पे हमारा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयरन गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2+ आयन बाय लूजिंग दी टू इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो एच आयन है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H2 के दो एटम्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 लेना पड़ेगा। एक पॉजिटिव चार्ज है और 2 मोल हमारे यहाँ पे एच आयन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जो हमारा सेल रिएक्शन आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कट करके आएगा, तो सेल रिएक्शन हमारा हो गया Fe+2H+ विल गिव यू Fe2+ प्लस हाइड्रोजन। ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू भी आ गया 2। आफ्टर दैट हमको QC को फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट में क्या है कंसंट्रेशन और Fe2+ रखना है, हाइड्रोजन क्या है आपका गैसेस फॉर्म में है, तो इसका भी हमें कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा PH2, बिकॉज ये गैसेस फॉर्म में इसलिए इसका कंसंट्रेशन प्रेशर के फॉर्म में आएगा। उसके बाद Fe आपका सॉलिड में है तो इसका कंसंट्रेशन 1 ही होगा, जैसे बताया कि इसको काउंट नहीं करते। और यहाँ पे एच आयन है और इधर 2 मोल है, 2 मोल कहाँ जाएंगे, 2 मोल पावर में जाएंगे। चलिए अब यहाँ से जल्दी से हम लोग QC को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। Fe2+ की जो कंसंट्रेशन दे रखी है दिस इज 0.001, और जो हाइड्रोजन का जो आपको प्रेशर दे रखा है दैट इज 1 bar डिवाइडेड बाय H+ आपको 1 मोल दे रखे हैं, तो 1 का पावर 2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है 1/1000, क्योंकि आप पॉइंट को हटाएंगे तो 1 आएगा, उसके पीछे 3 नंबर्स हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 का पावर -3। तो QC का वैल्यू भी आ गया। अब हम यहाँ पर जल्दी से अपना नस्ट इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो ई हमारा है, ई नॉट सेल हमारा क्या आया 0.44 वोल्ट माइनस हमारा 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2, ठीक है? अब इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद लॉग QC का वैल्यू 10 द पावर -3, क्योंकि पावर में -3 है, तो एज इट इज वही आपका इधर भी -3 आने वाला है। नाउ कैलकुलेट दिस, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितना आता है 0.0295, और लॉग 10 द पावर -3 का वैल्यू होगा -3, जो पावर में है 10 का पावर वही आपका आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपका वैल्यू आएगा 0.5285 वोल्ट, जिसको आप नियरली लिख सकते हैं 0.53 वोल्ट। तो ये आपका पार्ट 2 3.5 का भी सॉल्व हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द पार्ट 3। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ 3.5। यहाँ पर जो टिन है ये आपका इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये एनोडिक पार्ट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये आपके कैथोड पर है, क्योंकि मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होता है जो एनोड पर हो रहा है। अब हम यहाँ से सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो लिख लेते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है आपका Sn2+ में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज होता है पिता उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H के 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 2 मोल एच आयन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 × (+1) होगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो ये चीजों का हमको, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कि हमको ख्याल रखना है। तो अब इसके बाद अब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे रिड्यूस करके, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एन का वैल्यू
टू आ रहा है। उसके बाद जो सेल का रिएक्शन है वो है एस एन प्लस टू पॉजिटिव विल गिव यू एस एन टू पॉजिटिव प्लस एच टू। अब जल्दी से हम इस सेल रिएक्शन से क्यू सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू सी क्या होगा, जो एस एन है दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, तो ये हमको नहीं लेना, पर हमको पहले प्रोडक्ट साइड लेना होता है। तो यहाँ पर एस एन टू पॉजिटिव आएगा और हमको पी एच टू लेना है, क्योंकि एच टू जो है वो हमारी गैसेस फॉर्म में, आप चाहे तो कंसेंट्रेशन के टर्म्स में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका एच पॉजिटिव आएगा और इसके दो मोल है तो जो पावर में आ जाएंगे। तो एस एन प्लस टू का कंसेंट्रेशन कितना है बेटा, 0.050 और एच टू का 1 bar दे रखा है तो प्रेशर हो गया 1 और एच पॉजिटिव कितना दे रखा है 0.020 power 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आने वाला है यहाँ पर QC का वो आने वाला है आपका बेटा 125। ओके तो यहाँ पे बेटा QC का वैल्यू भी हमारा आ गया 125। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं E नॉट सेल का भी वैल्यू। तो हमको पता है फॉर्मूला की E नॉट सेल का क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन का हो रहा है जिसका वैल्यू होता है 0.0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका वैल्यू 0.0 ही होगा हमेशा। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। और टिन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, तो ये होगा -0.14। तो E नॉट सेल का वैल्यू आ जाता है +0.14। अब हम ये तीनों वैल्यूज को एग्जीक्यूट करते हैं नस्ट सेल के फॉर्मूला में। तो अभी मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाली हूँ इन तीनों वैल्यूज को नस्ट सेल के फॉर्मूला में। तो ये जो हमारा चेंज पोटेंशियल आ जाएगा इससे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.14 सब्सट्रैक्टेड बाय 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितने 2, ठीक है, और log 125, QC का वैल्यू 125 है। यहाँ पे 125 log का वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप टेबल से देखेंगे तो log 125 का वैल्यू 2.09 आएगा। अब इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.078 volt, ठीक है। तो हमारा जो नस सेल के थ्रू ईएमएफ हमने निकाल लिया है। नाउ आई एम मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 3.5। नाउ दिस इज दी पार्ट 4 ऑफ 3.5। यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो कैटलिस्ट है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये एनोडिक रिएक्शन है। और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन चेंज हो रहा है हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और ये कैथोडिक रिएक्शन है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे सेल रिएक्शन को लिख लेते हैं कि एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड का क्या मतलब होता है, जैसा कि पहले भी बताया है कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे क्या आपका हो रहा है, यहाँ पे बी आर नेगेटिव गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Br2। तो Br के भी यहाँ पे दो एटम है, तो यहाँ पे 2 mole हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये Br लूज कर रहा है, तभी तो आपका Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 electrons हो जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 है, तो दूसरी तरफ आपका 2 electron चला जाएगा। कैथोडिक पे क्या हो रहा है, चलिए अब कैथोड पे हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका जो H पॉजिटिव है दिस इज गोइंग टू कन्वर्टेड इंटू H2, तो इसके बेटा 2 mole है, तो यहाँ पर आपके 2 electrons आ जाएंगे। अब जल्दी से हम सेल का रिएक्शन भी लिख लेते हैं। तो 2 electrons से 2 electrons यहाँ पे रिड्यूस हो रहे, तो N इक्वल टू आपका 2 आ गया वैल्यू। सेल रिएक्शन आ जाएगा आपका 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव विल गिव यू Br2 प्लस H2। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते QC, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा QC के लिए, Br2 क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, H2 ये भी गैसियस फॉर्म में है आपका, आप चाहें तो प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा Br नेगेटिव पावर 2
NH पॉजिटिव पावर 2। अब हम जल्दी से इनके वैल्यूज लगा देते हैं। तो बेटा Br2 का वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पर, दिस इज इन लिक्विड, तो बेटा इसका कितना होने वाला है, क्योंकि ये लिक्विड में है तो इसको हम 1 लेंगे। ठीक है, एक्वस में होता तो हम इसको जो भी हमें कंसेंट्रेशन दे रखा होता वो देते लिखते, लेकिन यहाँ पर अगर लिक्विड में है तो 1 लिखेंगे। जैसे सॉलिड का 1 लिखते वैसे लिक्विड का भी 1 लिखेंगे। और यहाँ पर आपका H2 का कितना है बेटा, 1 बार, तो H2 के लिए भी 1 आ गया। Br नेगेटिव का कितना है बेटा, यहाँ पे 0.010 पावर 2, और H पॉजिटिव का कितना है, 0.030 का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आने वाला है वो है 1.1 × 10⁻¹। तो यहाँ पर हमको ये क्यूसी का वैल्यू मिल चुका है। तो बेटा क्यूसी का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 1.1 × 10⁻¹। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यूसी। नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल ऑल्सो। तो अभी हम जल्दी से यहाँ पे ई नॉट सेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा ई नॉट सेल आपको पता है कि हमको पहले कैथोड पर जो जिस मेटल का आपका या जिस भी नॉन मेटल का रिडक्शन हो रहा है वो लिखना है। तो यहाँ पे आपका कैथोड पर हो रहा है हाइड्रोजन का, जिसका वैल्यू 0.0 है, और एनोड पर हो रहा है ब्रोमीन का, जिसका वैल्यू है आपका +1.09। तो बेटा ई नॉट सेल का वैल्यू आ जाता है यहाँ पर -1.09 वोल्ट। अब हम ये सारे वैल्यूज को नेक्स्ट इक्वेशन में हम लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू जो ईएमएफ है, जो चेंज ईएमएफ है, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, वो हमको मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से ये सॉल्यूशन भी आपको करके दिखा देती हूँ। एंड ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसके बाद हमारा 3.5 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ई इक्वल टू एंड दिस इज -1.09 − 0.0591 / 2, बिकॉज एन की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि आपके 2 हैं, देन लॉग 1.1 × 10⁻¹। तो बेटा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आने वाला है वो आएगा −1.29 वोल्ट। तो ये हमारा ई का वैल्यू आ गया विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।